देखिए कितना प्यारा कलर है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे इसको भुनने देते हैं, स्पाइसेस को उतनी देर में संभाल लेते हैं, रख लेते हैं इनकी जगह पे। जी ये देखिए सब्जियां जो है मेरी भुन चुकी हैं, ये देखें इनको ऑयल डाल के अलहदा से इनको भून लिया, फ्राई कर लिया। ये देखिए चिकन जो है तैयार हो चुका है, चिकन के अंदर ये देखिए मसाला कितना मजे का तैयार हो गया। और ये देखिए चिकन भी भुन चुका है, ये जो सब्जियां हैं इसके अंदर डाल देंगे। और इसको मिक्स कर देंगे, नमक मिर्च वगैरह जो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेनी है। कुछ लोग जरा ज्यादा खा लेते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। इसको जरा मिक्स कर लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो ये देखें मिक्स कर दी सारी सब्जियां भी और नूडल भी। ये देखें किस कदर प्यारा खूबसूरत और मजेदार लग रहा है। आपके मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसको किसको खाने को दिल चाह रहा है। ठीक है अभी फौरन बनाएं और मजेदार ये नूडल खाएं। ये देखें मैं इसको ढांप के 5-7 मिनट का दम लगाएंगे, थोड़ा सा इसको गर्म कर दें ताकि ये गर्म हो जाए। और अभी मैं आपके साथ ये जो घर की रूटीन है वो शेयर कर दूंगी। 5 मिनट का हमने लगा दिया इसको दम ताकि गर्म हो जाए। अब ये देखें घर में जो है, सब घरों में ऐसे ही होता है, भांडे जड़े ने मुकदे ही नहीं, जिन्हें मर्जी धोवो धो के ढेर लगे रहते हैं। मेरा भी ऐसा ही है, मैं इतने बर्तन धोती हूँ फिर भी इधर धो के साइड पे होती हूँ, कहती हूँ हैं अभी तो मैंने धोए थे, ये इन्हें भांडे कितों आ गए ने। ठीक है वो मेरे ससुराल में, ये मेरे ससुराल में है कि वो कहते हैं या कुत्ते दे पुत्र भांडे मुकदे ही नहीं, जिन्हें मर्जी धोवो। तो इसका ये हिसाब है कि ये वाकई नहीं खत्म होते हैं, आपके भी नहीं ना खत्म होते, जितने मर्जी धोए धो के औरतें बेचारी थक जाती हैं, तो खत्म नहीं होते बर्तन, काम नहीं खत्म होते घरों के। चले मैं भी आपको धो के ये आपको दिखाती हूँ खाली करके, फिर मिलेंगे। जी तो मैं रूम में पहुंच चुकी हूँ। ये देखें ये बेड के ऊपर मैंने ये बैग रखा है, ये कपड़े मैं लाई थी, गर्म मौसम के लिहाज के कपड़े लाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, आपको दिखाऊं कि आप बताएं कि कैसे हैं। ये मेरा सूट है, लेके आई थी, आपको दिखाती हूं गरम सूट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें कैसा लग रहा है, बताइए कमेंट कीजिए कि सूट कैसा लग रहा है। ये देखिए और ये साथ दुपट्टा है, ये देखें ये साथ दुपट्टा है सूट का। और ये बैक और शलवार है साथ, इसको उठा देते हैं। अब मैं आपको दूसरा सूट दिखाती हूँ। वो गरम वैरायटी में था, ये शायद कोई नीलन होता है उसमें है, या पता नहीं किस चीज में ये मार्केट में आया है बाजार में। जी ये देखें ये भी बड़ा खूबसूरत है, वो भी बहुत खूबसूरत है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कपड़े कैसे लगे हैं, मुझे बताएं, मैं सेट कर लूं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें घेरे में भी माशाल्लाह इतना प्यारा प्रिंट है, खूबसूरत। ये देखें और इसका ये दुपट्टा है, साथ में ये दुपट्टा है और ये शलवार है इसकी। और एक और सूट है, 3 सूट मैं लाई थी आपके साथ, मैंने कहा शेयर करूं, आपको पसंद आए मुझे बताएं कैसे हैं। ये शलवार है इसकी और ये है
इसका दुपट्टा, ये भी बहुत प्यारा सूट है। आपको कैसा लगा है? मैं भी आपको शर्ट खोल के दिखाती हूँ। एक हाथ से काम करना जरा मुश्किल हो जाता है। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है, दूसरे हाथ से मैं कपड़ा खोल के दिखा रही हूँ। ये शर्ट है, ये देखें, ये गले पे कढ़ाई है, ये देखें कपड़ा, देखें देखें बहुत प्यारा कपड़ा है। शाइन देखें इसकी, बहुत अच्छा है। और ये देखें प्रिंट, देखें कैसे लगे आपको ये मेरे सूट। तीनों सूट कैसे लगे हैं मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कैसे आपको पसंद आए हैं। चलें चलते हैं स्पेक्ट्री की तरफ, जाके देखते हैं वो रेडी हो चुका है जी। तो इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं पास्ता खाती हूँ। ये देखिए फोक के साथ सारी चीजें ऐसे आ जाएंगी, हम खाते हैं। मैं खा के दिखा, अभी खा के आपको बताती हूँ। बहुत टेस्टी, मजे का। इसको बनाएं, मेरे तरीके का बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मजे का बनेगा। रब रखा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।